क्लियर. सो इन लास्ट लेक्चर, सो व्हाट बेटा, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग. सम कौन सा था अपना? टेलीस्टार लिमिटेड का, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग कितना आया था अपना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया था 86,400, है कि नहीं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना आया था अपने को, 60,000 नेगेटिव, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. थर्ड वन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो चलो अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या देखा था हमने. सबसे पहला तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या था आपका, बोलो, आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, वो है राइट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल तो कुछ नहीं है, वो तो सेम है बराबर, वो सेम है आपका. इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज व्हाट बेटा, दैट इज सेम राइट. नाउ 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90 से 60 हुआ तो रिडीम हुआ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया बेटा आपको, 90 से 60 मींस रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन मतलब कैश आउटफ्लो हो जाएगा. प्लस आपने इसको जो रिडीम किया है वो 10% प्रीमियम पे किया है, तो 30,000 तो गए ही आपका, 90 से 60 हुआ तो 30,000 गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 प्लस 10% प्रीमियम, तो 30,000 का 10% 3,000, तो मतलब टोटल कितना आउटफ्लो होगा, 33,000. ओके सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट व्हाट डू यू हैव टू राइट हियर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स राइट है, कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 60, दैट इज 30,000, ठीक है, प्लस 10% का प्रीमियम भी दिया आपने, तो प्रीमियम भी जा रहा है आपके पास से, तो प्रीमियम, प्रीमियम चाहिए तो साथ में प्लस करके भी दिखा सकते हो, बट अलग से दिखा दोगे तो बेटर ऑप्शन है. प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रीमियम कितना दे रहे हो आप, कितना आपने रिडीम किया, 30,000 फेस वैल्यू रिडीम कर दिया राइट है, तो इसके ऊपर 10%, सो 10% ऑफ रुपीज 30,000 राइट है, 10% ऑफ रुपीज 30,000, दैट इज 3,000. और याद रखना बेटा ये आउटफ्लो है, यहां कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो के लिए क्या बोला मैंने, ब्रैकेट शो कर देने का, ताकि आपको मालूम पड़े कि नेगेटिव है, नेगेटिव अमाउंट है. सो 30,000 कैश आउटफ्लो, 3,000 ये कैश आउटफ्लो, गॉट इट, क्लियर है, ये दोनों आपका कैश आउटफ्लो हो गया, डन. और कुछ है क्या कैश आउटफ्लो? यस, आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पे मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना बेटा, सो डिविडेंड पेड, सी यू कैन सी हियर, The company has paid interim dividend of 5% on equity shares. So dividend paid is what, your financing activity. है कि नहीं? तो financing activity है मतलब क्या? दिखा दो financing activity मतलब. Cash flow from financing में दिखा दो उसको. अब paid हो रहा है तो पैसा जाएगा ना, outflow होगा ना बेटा. So dividend paid, interim dividend paid. Interim dividend. पेड बराबर है, इंटरिम डिविडेंड पेड भी आपका क्या है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इतना कैश जा रहा है आपका, जो कि आपने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में भी दिखाया बेटा, ये 6,000, ये कैसे आया पता ही है ना, सिंपल, कितना परसेंट था, 5% था, जो कि आपने कैलकुलेट किया ही था पहले, 1,20,000 है उसका 5%, 6,000, दैट्स इट, ठीक है. तो दिस इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और तो कुछ है नहीं फाइनेंसिंग में, देयर इज नथिंग, there is nothing more, okay, done. So आ जाओ अब बताओ financing activity में बेटा, इधर तो cash flow क्या, इधर तो cash used हो रहा है ना, negative आ रहा है ना, सब पूरा balance आपका negative है, तो cash used in financing activities. So 30 plus 3, 33 plus 6 कितना हो गया, 30
9. So 39,000, ये 39,000 का क्या हो गया अपना कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया. व्हाट इज दिस कैश यूज्ड इन राइट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. क्लियर है बेटा? सो दिस इज व्हाट योर कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 39,000 नेगेटिव. देन चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी डन. अब क्या करना है? अब आपको फाइनली निकालना है बेटा क्या आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या हो रहा है, नेट इंक्रीज आ रहा है कि नेट डिक्रीज आ रहा है. तो ये नंबर हो जाएगा आपका फोर्थ. ठीक है, चलो दिस विल बी व्हाट नंबर फोर, कि कैश इंक्रीज होगा कि कैश डिक्रीज होगा. व्हाट इट, तो आ जाओ बच्चा देखो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 39,000 नेगेटिव है. इन्वेस्टिंग में भी आपका नेगेटिव था 60,000 नेगेटिव. तो 60,000 प्लस 39,000 कितना हो गया, 99,000 नेगेटिव हो गया. बराबर है? और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना था, 86,400 वो पॉजिटिव था. तो एडजस्ट करो तो कितना आ रहा है आंसर, 12,600. मतलब नेगेटिव साइन बड़ा है, तो नेगेटिव साइन बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बेटा. पॉजिटिव बैलेंस आपका छोटा बैलेंस है, वही खाली 86 अपना क्या था 400 था. बराबर? तो आपका आंसर आ गया 12,600. वेरी गुड, वेल डन श्वेता, परफेक्ट. देखो सिंपली बता रहा मैं, आपका ऑपरेटिंग कितना था, ऑपरेटिंग था 86,400 जो कि आपने लास्ट लेक्चर में किया था. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया था आपका अमाउंट, 60,000 नेगेटिव. और बेटा फाइनेंसिंग से तो आपका 12,600 आया, 39,000 नेगेटिव आया. फाइनेंसिंग से आपका 39,000 नेगेटिव है, राइट? तो देखो 60 प्लस 39 99 है कि नहीं, बराबर है? 99 हो गया माइनस 86,400, तो 12,600 आ गया ना. नेगेटिव का साइन बड़ा है ना, नेगेटिव साइन बड़ा है, इसका मतलब आपका कैश आउटफ्लो ही है, नेगेटिव बैलेंस, दैट्स इट, यही फंड है बस. तो बेटा अब आपने इधर कर लिया तो आपको आया 12,600 नेगेटिव आंसर. अब ये नेगेटिव आंसर जो आया ना बेटा, नेगेटिव आंसर 12,600 का, बराबर है? अब इसका अपने को करना क्या है, आ जाओ. ठीक है, दिस नेगेटिव आंसर ये आपका हो गया, क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज तो होगा नहीं, पॉजिटिव फिगर तो है नहीं, तो इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है, दिस इज व्हाट नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. बराबर है? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. व्हाट इट, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग बेटा, नाउ व्हाट टू डू, आप इसमें ऐड करते हो क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करते हो, यस और नो? सो ऐड व्हाट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. यस, वेरी गुड बिंदा. सो ऐड व्हाट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना है अपने को क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बराबर? ओपनिंग मतलब बिगनिंग का. तो आ जाओ अब बेटा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को. सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सी हियर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या है, बट बेटा आपका कैश बैंक ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. तो बैंक बैलेंस है आपके पास, बैंक बैलेंस इज गिवन. सो ओपनिंग देखो, ओपनिंग मतलब 31 मार्च 2016 वाला बैलेंस, 2017 वाला तो क्लोजिंग हो जाएगा ना बेटा. 31 मार्च 2016 का ओपनिंग देखो कितना है, 15,840. दिस इज व्हाट योर ओपनिंग बैलेंस है. तो प्लस कर दो ना बेटा ये 15,840 को, क्या करो प्लस, 15,840 विल बी एडेड. ठीक है, फिर जो बैलेंस मिलेगा वो आपका आ जाएगा क्या, क्लोजिंग. फाइनली जो बैलेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, क्लोजिंग Closing cash and
कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बराबर है। सो दिस इज व्हाट योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब क्या बोल सकते हो आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, इसको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या बोलते हो आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, सिंपल। क्या है भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड का बैलेंस आएगा कितना आएगा, करो जरा एडजस्ट, कह रहे हो 1540 पॉजिटिव माइनस 12600 नेगेटिव, सो व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन टेल मी, यस है ना, कितना है, परफेक्ट, 3240, दैट्स इट, हो गया फिनिश, खत्म, ये अपना सम इधर फिनिश हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। अब चेक करने का, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3240 है क्या, देखो क्वेश्चन में चेक करो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू कैन सी हियर 3240, यस इट इज, यस इट इज गिवन 3240, परफेक्ट, ठीक है। तो ये होता है अपना इधर ये सम फिनिश, यस वेरी गुड बिंदा, वेल डन श्वेता, परफेक्ट। तो ये हो गया अपना इधर ये सब फिनिश हो गया, जो कि हमने दिखा दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डन। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने ऐड किया, ऐड करके जो भी एडजस्टेड फिगर आया दैट इज व्हाट 3240, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब उसको मैच कर लो, बराबर है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस क्या है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो सिर्फ उधर क्या दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस ही है ना, मैच कर लो, खत्म, फिनिश, यस, वो टैली हो रहा है तो खत्म हो गया, गेम ओवर, 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 खत्म, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया इधर ये सम डन।